आज के दौर में हम सबके सामने जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या का मूल है धरा का बढ़ता हुआ तापमान। बढ़ते तापमान की वजह से हिमखंड तेजी से पिघलते जा रहे हैं और उनका पानी समुद्र में विलीन हो रहा है। मनुष्य की ज्यादतियों को झेलते झेलते मौसम का चक्र गड़बड़ा गया है। कहीं भारी वर्षा का तांडव तो कहीं अकाल के कारण तबाही। पृथ्वी के ऊपर जो वायु है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज, जो उष्णता शोषक वायु है, तो ये कौन से वायु है? तो एक तो जो है, जो हम कहते हैं मॉइस्चर, उसके बाद में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। ये जो वायु है जो पृथ्वी के वातावरण में जो घूम रहे हैं, इसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इनकी खासियत ये है कि पृथ्वी से जो परावर्तित होने वाली ऊर्जा है, ये वायु जो है इसको ट्रैप करते हैं, और ये वायु इसको ट्रैप करने के बाद खुद गर्म हो जाते हैं एंड देन दे री रेडिएट बैक। इसका कारण ये हो सकता है, इसका परिणाम ये हो सकता है कि पृथ्वी का तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। अर्थ क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरैक्शंस बिटवीन लैंड वाटर ओशन एंड एटमॉस्फेयर। The consequences of climate change will be number of not consequences, but the three important ones are changes in temperature, changes in precipitation, that is rainfall, and sea level rise. पिछले कुछ वर्षों में भारत में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम और गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमालयी क्षेत्र में तापमान 2.6 अंश सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और वर्ष 2030 तक इस तापमान में 2.12% तक वृद्धि हो सकती है। The history talks about average temperature of the globe is increasing. And again, you're looking back, why it has happened? We have the trees. Trees take carbon dioxide in and they give oxygen out. That source is dwindling in terms of a forest tree coming down. And another side, human population increases. Along with the human population, his way of consuming, his way of comfort, his way of mobility, we give more carbon dioxide into the system. So this is some sort of a balance is getting disturbed. Why is water going away from human habitations? Why is it lodging itself somewhere else? Obviously, we are not living the way we should live. Where there was a river, civilizations developed. But now water is trying to move away from us. We are doing something very fundamentally wrong in the way we are organizing human habitations. We need to look at this seriously now, very important. Otherwise, you have to go and live under the ocean. विगत कुछ वर्षों में हमारी जीवन शैली में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया है। ईंधन से चलने वाले स्वचालित वाहनों का उपयोग आम हो चला है, जिनमें कहीं अधिक मात्रा में ईंधन की खपत होती है। रिहायशी मकानों के लिए पेड़ काटकर हरियाली क्षेत्रों पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं। पानी की टोह में हम भूगर्भ से बेहिसाब जल निकाल रहे हैं। नदी तालाब जलाशय सिकुड़ते जा रहे हैं। ऊपर से कारखानों इत्यादि का गंदला अपशिष्ट झोंक कर हम जल के इन दुर्लभ स्रोतों को नष्ट कर रहे हैं। बहुत निकट भविष्य में मानव जाति को प्रकृति के विनाश की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेज़न के जंगलों में लगी भयानक आग विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का एक और कारण बनने जा रही है। पूरे विश्व का 20% तक ऑक्सीजन वन संपदा से भरे पूरे अमेज़न के जंगलों से आता है। जीव जगत की अनेकों प्रजातियां इस दावानल के बलि चढ़कर लुप्त होने की कगार पर हैं। उसके बाद हम सब को चाहिए आजकल ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जो है, इसकी डिमांड जो है दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे देश, इंक्लूडिंग हमारा भारत देश में, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको हम थर्मल प्लांट कहते हैं, जहाँ पर कोयला जो है वो बर्न करके उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है।
तो ये जब ये सब चीज़ें होती है तो इससे भी पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता है। तो ये सब रिपोर्ट जो है एक ही दिशा में बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने से सबसे पहली बात ये रहेगी कि जो प्रेसिपिटेशन है मतलब वर्षा के जो आंकड़े हैं वो बढ़ने की संभावना है, और इसका फ़ायदा जो है एग्रीकल्चर को कोई भी नहीं रहता है। इससे यही होता है कि फ्लड लाइक सिचुएशन रहता है, जैसे आपने उत्तराखंड में देखा होगा, केरला में रिसेंट फ्लड्स देखे होंगे, और रिसेंटली आसाम में भी, इस साल भी 2019 में भी अगर आप देखोगे तो आसाम में भी फ्लड्स है, बिहार में भी अभी कुछ दिन पहले फ्लड थे। तो इस प्रकार की भारी वर्षा से फ्लड लाइक सिचुएशन होने की संभावना बहुत है। We also are experiencing increased spread of diseases, and most of the diseases are probably spread through vectors which are proliferating due to climate change. Any of these insects which spread pathogens, they probably reproduce much faster due to the effect of climate change. When we talk about climate change, we also think about the diseases it causes. So we have increase in respiratory or lung disorders like chronic obstructive pulmonary disease, increase in the allergies and waterborne infections. So there's a major increase in the climate sensitive diseases. कुछ दिन पहले मानसून के आते केरल में अरबी समुद्र में भी एक साइक्लोन तैयार हुआ था जिसको हमने वायु नाम दिया था। इसकी भी इंटेंसिटी जो है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बदल, तो इसका मतलब यह है कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है उसकी आने की फ्रिक्वेंसी, उसकी तीव्रता या सीवियर वेदर की तीव्रता जो है ये सब बढ़ने की संभावना जो है ये ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से आने की संभावना है। ऑल ओवर इंडिया सी लेवल इज गोइंग अप, हाउ डू यू मैनेज इट? द ओनली वे टू मैनेज बाय सी लेवल राइज इज टू प्रमोट sea level farming. Mangroves, when the tsunami came, they saw that wherever there was good mangrove plantation, tsunami did not affect much because it's a coastal storm. जलवायु परिवर्तन आज की एक भयावह वास्तविकता है जिसकी गंभीरता का सामना हम अब नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हम व्यक्तिगत तौर पर कुछ सावधानियां बरत के संसार को इस दुर्गति से बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ऊर्जा अर्थात बिजली, ईंधन की बर्बादी को रोककर, अपने दैनिक जीवन में हर कदम पर पर्यावरण की सुरक्षा को अपना मूल मंत्र बनाकर। And mitigation, I said, mitigation, the only way is shift to a low carbon economy. Instead of going more and more petroleum products, grow natural energy, particularly solar energy. Here our country's initiative in establishing a solar consortium is a very good one. How do we use solar energy? We are blessed with solar energy throughout the year. And we can use it more effectively. And beyond that, I think good number of windmills are coming, and definitely industries also, whomever they consumes power in some form, they can industry form, they can make good number of windmills elsewhere, and whatever they are consuming electricity here, and that can be compensated there. So, but that electricity is done not using a diesel, not using a coal, not using a some other form. It is using a natural air. So that is another way we can do these things concerned. हम जो फॉसिल फ्यूल जो हम बर्न कर रहे हैं, क्या हम उसको हम कम कर सकते हैं? यातायात सेवा जो है, जैसे टैक्सी है या कार है, क्या हम उसको शेयरिंग मोड में चला सकते हैं? हालांकि इससे जो है थोड़ा सा अवेयरनेस जो है वो बढ़ सकता है। But today in the name of urbanization, we have come so much of tar roads, concrete buildings. So the water percolating back to the earth is twinkling, so that definitely we have to plan either in terms of townships or individual houses also, how whatever the water comes as rainwater goes back to the earth. I think this is beyond our the conception of water, how we can minimize over and above that, how we can preserve the water content back to the earth. Vikas hum sab kuch chahiye, lekin vikas ke sath agar kuch challenges hai to usko bhi swikare
और सबसे बड़ा चैलेंज जो ग्लोबल वार्मिंग का है या क्लाइमेट चेंज का है, मेरे ख्याल से उसको साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, अवेयरनेस के साथ और जिम्मेदारी के साथ अगर हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। आने वाला समय अगर हम इस कदम पर चले, इस पर्टिकुलर रास्ते के ऊपर चले, तो मैं समझता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत अपनी रफ्तार जो है बहुत कम हो जाएगी और इसका असर जो है बहुत दूर तक हमें इसका असर जो है बहुत कम कम नज़र आएगा। மரங்கள் தான் இயற்கையின் கரங்கள், இறைவனின் வரங்கள். அதுதான் காற்றில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை நிறைய எடுத்துக்கிட்டு அதற்கு பதிலாக ஆக்சிஜனை வைத்து நிரப்புகிறது. அம்மா வயிற்றில் 9 சில்லற இருந்தோம், அப்போ நம்ம சுவாசித்தோமா? இல்லை, அம்மா வயிற்றுலேருந்து நம்ம வயிற்றுக்கு ஒரு டியூப் வந்தது, அதுதான் உன்னுடைய ஃபஸ்ட்டு யூடியூப். அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீ சுவாசிக்க ஆரம்பித்த. உன்னுடைய சுவாசத்திற்கான காற்றை தந்தது யார்? உன் சுவாசத்திற்கான காற்றில் ஆக்சிஜனை வச்சு கொடுத்தது யார்? உன்னை சுற்றி நிற்கின்ற மரங்கள் தான். மரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். ஒரு மரம் வெட்டினால் 10 மரங்கள் நடரும். அப்படித்தான் நம்ம இயற்கையை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों को जड़ से हटाने के लिए विश्व के सभी देशों को तत्काल ठोस उपाय करने होंगे, अन्यथा वायु, जल, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और समूची मनुष्य जाति का, न केवल हमारा बल्कि आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना होगा, प्लास्टिक को इस धरती से हमेशा के लिए बहिष्कृत करना होगा, पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम उपयोग, बरसाती पानी की बूंद बूंद को बचा कर रखना, इसे व्यर्थ बह जाने न देना ताकि हमारी ये धरा फिर एक बार शस्य श्यामला होकर लहलहा उठे और अपने अनंत खजाने खोलकर हमें स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख का वरदान दे। जब वो दिन आएगा तब मनुष्य उन्नत शीश से कह सकेगा कि हे धरती मैया, तुझसे जितना पाया वो सब तुझी को समर्पित, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य जाति यूं ही तेरी गोद में पनपती रहे।